नमस्कार दर्शकों, और स्वागत है आपका इस बहुत ही खास एक छोटे से इंटरव्यू में। और मैं आपको बताऊं, मेरे राइट में जो शख्सियत खड़े हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फूल मालाएं हार दिख रहे होंगे, हाथ में बुके भी है, अंशुल मल्होत्रा जी हैं। और इनको मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से महिला नारी शक्ति अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊं, और ये एक रिकॉर्ड बन गया है मंडी में क्या, पूरे हिमाचल में, कि एक ही घर से दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो। क्योंकि जो इनके फादर साहब हैं ओम प्रकाश मल्होत्रा, उन्हें 2012 में उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनसे अवार्ड मिला था। और अवार्ड किस लिए मिला है, जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का क्षेत्र है, जिसे हम हस्तशिल्प और हथकरघा कहते हैं हिंदी में, उसमें इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया। मैं आपको दर्शकों, अगर मैं मल्होत्रा जी के बारे में बताऊं, इनका लास्ट ईयर हमने शिवरात्रि के समय स्टॉल में एक इंटरव्यू लिया था, जहां पे 1,05,000 का शॉल भी था, वो इन्होंने दिखाया था, बहुत ही वायरल हुआ था वो इंटरव्यू। अगर आप चाहें तो फिर से हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। और अभी मैम को, जो अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर चलकर इस मुकाम पर पहुँची हैं कि इन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, इन्होंने, मैं आपको बताऊँ, 200 महिलाओं को, मंडी और कुल्लू की 200 महिलाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया। और आज की डेट में वो महिलाएँ हैंडलूम का बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में बेच रही हैं। तो ज़्यादा जानकारी हम मैम से ही लेंगे। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकें हों, आपको भी और आपके पिताजी को भी, पूरी फैमिली को, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं सभी को, कि आप राष्ट्रपति से एक अवार्ड लेके आई, वो भी महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। आपके पहले शब्द क्या होंगे, अभी मंडी में आपको सम्मानित किया गया, आज आप पहुँची हैं? मैं पहले तो सभी मंडी वासियों का धन्यवाद करूँगी, क्योंकि अवार्ड कभी एक इंसान का नहीं होता, उसके पीछे जुड़े हुए सभी लोग हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब मैंने सब वहाँ पे, बहुत लोग खड़े थे, सारी स्टेट्स की लेडीज़ थी, तो सबको बताना पड़ा कि मैं बिहार से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, या मैं केरला से हूँ। जैसे ही मैंने अपना नाम लिया कि नमस्कार, मेरा नाम अंशुल है और मैं हिमाचल से हूँ, तो उन्होंने यही इशारा किया कि हमें पता है। किस के लिए नारी शक्ति पुरस्कार, अंशुल मल्होत्रा, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपको अंडर प्रिविलेज्ड ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त में हैंडलूम बुनाई का कौशल सिखाने तथा हिमाचल प्रदेश में हैंडलूम को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो ये जो है, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, तो ये आप सभी जितने भी यहाँ सब हैं, जो भी हिमाचल से रिलेट करते हैं, ये हमारे पूर्वजों का सम्मान है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, और जो मेरे काम का, जो मैं जो क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ, उसकी नींव मेरे पिताजी ने रखी है। जी, आप इन्हीं को अपने इंस्पिरेशन में मानते हैं? बिल्कुल जी, इन्हीं के, इन्होंने जो नींव रखी थी, बस उसी पे छोटा मोटा काम मैंने किया है। बाकी 7 देशों में हम लोग अपनी जो हिमाचल की शॉलें हैं उनको एग्जिबिट कर चुके हैं, और नेपाल, जर्मनी और स्लोवेनिया, अभी जर्मन गवर्नमेंट ने भी हमें बुलाया था, और चाइना गवर्नमेंट ने भी ऑर्गेनिक डाइज के ऊपर काम के लिए वहाँ पे एक वर्कशॉप थी, फिजी को भी रिप्रेजेंट किया है ओवरऑल इंडिया से। तो ऐसे करते करते 7 कंट्रियों में हिमाचल की शॉलें पहुँच चुकी हैं। क्या बात है मैम। और आपको जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन मिला कि आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा, आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा बोला कि आप आज, मतलब आपको ये सम्मान मिल रहा है और आपने कल ही चल पड़ना है, क्योंकि मोदी जी के घर पे उन्होंने इनवाइट किया था, तो उसमें आरटीपीसीआर वगैरह की बड़ी ज़रूरत थी, जिसमें मेरी डॉक्टर साहब रीति ने बड़ी हेल्प करी, और उन्होंने कहा कि आप दीदी, आप जल्दी करो, जो भी करना है जाओ। पर उन्होंने पूछा क्या है, तो मैं बता नहीं पाई, क्योंकि वहाँ से था कि मोदी जी की न्यूज़ है ये, और 8 को ही, ये 7 को ही पता लगेगी। बस फिर भागते भागते तैयारी करते हुए दिल्ली पहुँच गए, और वहाँ पर पहुँचते ही ये बोला कि 4 बजे मोदी जी के घर पर इनवाइट है, उनके साथ चाय है, और मोदी जी के साथ चाय पे चर्चा हुई आपके, मतलब? हाँ जी, उन्होंने सभी से बात करी, एक एक जो भी वहाँ लेडीज थी उन सब से एक एक बात करी और पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक ही बात मोदी जी से बात रखी कि जैसे मेरे को इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि मेरे घर में ये काम हो रहा था, पर आज के जो नए बच्चे हैं उनको चरखा तकली के बारे में नहीं पता, तो कोशिश की जाए कि एजुकेशन सिस्टम में चरखा तकली, वुड वर्क, कुछ डाला जाए। ताकि बच्चे इंस्पायर्ड हो और ये रोजगार का माध्यम। हाँ जी, हाँ जी, और हमारा कल्चर खत्म ना हो। चलिए, कोई भी, किसी का भी बेटा या बेटी कुछ मुकाम हासिल करता है जिंदगी में, तो सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता को होती है, और पिताजी ओम प्रकाश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं इस वक्त।
सर आपने क्या इनको बाकी पेरेंट्स बोलते हैं भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आपने इनको क्या बोला कि आप मतलब आपने पूरी छूट दे रखी थी? मैंने ये कहा इनको, नहीं छूट तो नहीं दे रखी थी, मैंने ये कहा कि आप बुनकर बनेंगे। एस्पिरेशंस तो ये था कि मैं तो ये चाहता था कि मेरे बच्चे बुनकर बने, क्योंकि मेरे पास दो इंडस्ट्रीज थी, मेरी दो बेटियाँ हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि दोनों बच्चे जो हैं वो टेक्सटाइल में ही कोई पढ़ाई करें, जिससे आने वाला भविष्य मेरे मरने के बाद कम से कम ये इंडस्ट्रीज बिके ना, क्योंकि आज समय ऐसा हो गया है कि इस लाइन में बच्चे, यंग बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता था, लेकिन बच्चों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, जो बोला वो किया। तो थोड़ा इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं। एजुकेशन ये DAV स्कूल में इन्होंने प्लस टू की, फिर उसके बाद सुंदरनगर LMS कॉलेज में इन्होंने फर्दर पढ़ाई की, फिर BTEC किया इसने टेक्सटाइल में TIT भिवानी से, फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट हाउस में दिल्ली में इसने कुछ टाइम जॉब की, फिर मेरे साथ जुड़ गई, फिर शादी के बाद भी ये जो हमारा जो एक्सपोर्ट का काम था दिल्ली में, जो काम था वो सारा यही देखती थी। तो ये अच्छा लग रहा है कि आज इसको इस मुहिम में ये पहुंच गई है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे इसने चाइना गवर्नमेंट ने कंपटीशन करवाया था इंडिया में और ये विन किया था उन्होंने, कुछ लोग थे ये, और ये चाइना गवर्नमेंट इनको अपने खर्चे पे चाइना ले गई थी, उसके बाद एक कंपटीशन और हुआ दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल पे जो जर्मन गवर्नमेंट ने करवाया था, और वो उसमें भी इसने ये फर्स्ट आई थी, ये पहली हिमाचल की बेटी थी जिसने, या बेटा बेटी में ये थी जिसने ये विन किया था। और उसके बाद जर्मन गवर्नमेंट इसको अपने खर्चे पे, पूरे परिवार को, इसके हस्बैंड को, इसके बेटे को, ये जर्मन गवर्नमेंट ले गई थी अपने खर्चे पे वहाँ पे, और वहाँ पे स्मृति रानी जी मिली इसको। हाँ, वो हमने लास्ट ईयर में, वही दर्शकों को कह रहा हूँ, जो रिपोर्ट हमने लास्ट ईयर में उसको आप देख सकते हैं, उसमें हमने ये फोटोज भी दिखाए हुए हैं। आपके पास मैं थोड़ा, इनके सास ससुर और इनके हस्बैंड हैं यहाँ पे, थोड़ा सर आगे आ जाइए आप इनके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। हाँ जी, तो सर कैसा लगता है, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चा इतना आगे निकल गई हुई है, हमारी बेटी जी बहुत ज़्यादा। और मतलब एक बहू को आपने जब ये ब्याह के आई आपके घर, तो आपने इनको क्या बोला कि आप कैरी ऑन रखो बेटा अपना, ये जो भी हॉबी है, हाँ जी जो इसकी हॉबी थी पहले तो उसको कैरी ऑन। पहले दिल्ली में एग्जीबिशन वगैरह करते थे बच्चे, अभी 3-4 साल हुए इनको मंडी आए हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों का इतना आगे बढ़ते हुए देखना। ना सपोर्ट किया इन्होंने ना, मैं इसकी नानी हूँ। अच्छा, नानी हूँ, ये बहुत गर्व है हमें इस बेटी के ऊपर, बहुत अच्छी है ये, और सब भी काम है, या फिर इसमें नहीं, सभी चीज़ों में बहुत कामयाब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना खुशी का माहौल है, ये सारे जिसको कहते हैं इंग्लिश का वर्ड है ओवरवेल, मतलब सारे के सभी, मैं अभी मैम को देख रहा था, अंशुल मैम को, इनके तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब ये वहाँ से, जब इनका सम्मान किया गया था। सर आपको कैसा लग रहा है, आप तो मतलब बहुत गर्व की बात है, आप भी थे राष्ट्रपति उसमें हॉल में। सर मैं भी गया था, मुझे भी मौका मिला इनके साथ जाने का, बहुत ही गर्व महसूस हुआ हमें। हिमाचल का जब हमने नाम सुना तो सबसे ज़्यादा गर्व तो उस वक्त हुआ जी। सर ये पुरस्कार, जैसे कि हम पहले ही कह रहे हैं कि एक आदमी की मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, बहुत सारे लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं। हाँ, एक ये जो ब्रिज का काम किया है वो अंशुल ने किया है लोगों को आगे बढ़ाने में, तो उसके लिए इसको आज जो सम्मान मिला उसका ये डिजर्व भी करती जी। है उतना ही। और सम्मान का नाम है नारी शक्ति, और नारी आज की डेट में वाकई शक्ति है। हमारे अगर जिले की बात करें तो यहाँ पे SP मैडम भी एक नारी हैं, यहाँ की SDM जो हैं वो भी एक नारी हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो नारियाँ हैं मतलब हर क्षेत्र में महिलाएँ जो हैं वो आगे बढ़कर आ रही हैं और बखूबी अपना जो रोल है वो निभा रही हैं। मैम आपको जो लड़कियाँ देख रही हैं इस वक्त, जो महिलाएँ देख रही हैं, उन्हें आप कोई मैसेज अगर देना चाहें हमारे माध्यम से। मैं ये जानती हूँ कि सबके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है, अपना पोटेंशियल पहचानो कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अवार्ड लेते हैं वही बड़े होते हैं, जो नहीं लेते या काम तो वो भी कर रहे हैं, पर कोशिश करो जो काम आप अच्छा करते हो उसको और अच्छा करो, और कल को उसकी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। जैसे मैं भी 16 साल से ये काम कर रही हूँ, तो आप भी मतलब ऐसा है कि अपना अगर अपने हाथ को बड़ा एक्टिव करो, ये नहीं कि आप सिर्फ घूम ही रहे हो, घूमो भी, पढ़ाई भी करो, साथ में कोई एक कला सीख लो, चाहे वो स्वेटर बनाने की है, चाहे मैं कहती हूँ हथकरघा की है, चाहे आप पेंटिंग है, मैं चाहती हूँ एक कला की तरफ आप ज़रूर जाएं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि वही कला आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। ये बात भी अंशुल मैम, और दूसरी बात ये भी है कि दर्शकों अगर आपको उसमें अगर अपना प्रोफेशन नहीं भी बनाना है तो भी आजकल की जो भागदौड़ वाली हमारी लाइफ है और हमारा कोई भी किसी भी जॉब में हो, अगर हम कोई कला का काम पकड़ें, चाहे हम
कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हो, गाना सीख रहे हो, या जैसे मैम ने कहा पेंटिंग या स्वेटर बुना, उससे आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। और मैं आपको बता, ये रिकॉर्ड है एक ही घर में, दर्शकों हिमाचल का ये रिकॉर्ड है कि एक ही घर में दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छा, और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर